हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस सेल की। अनबॉक्सिंग से मेरा मतलब है कि हम इस सेल को खोल के देखने वाले हैं, इसके अंदर कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, क्या किस प्रकार से रहता है। जैसे कि हमने बहुत पुराने पिछले वीडियो में 32650 की सिलेंडर सेल को ओपन करके दिखाया है कि वो सेल अंदर से कैसा रहता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये वाला सेल अंदर से कैसा रहता है, जो कि हाई स्टार का 25 एज का सेल है। और ये सेल देखिए फूल गया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेफ्टी वॉल्व है, तो सेफ्टी वॉल्व को सबसे पहले ओपन करके इसका क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये प्रिस्मेटिक सेल है हाई स्टार का 25 एज का, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग 22 की थी, तो लेवल अब ये 2 साल पुराना हो चुका है। और बहुत इसमें अगर इसकी हम फेलियर रेट की बात करें तो 1000 में एक सेल भी कम करें, 5000 में एक सेल के करीब के आसपास क्या हुआ था, ये फेलियर हुआ था। तो उसका फेलियर रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। 5000 में एक सेल ख़राब हो रहा है, तो इसका फेलियर रेट क्या था, बहुत ज़्यादा कम था। अभी इसका स्टॉक नहीं है, इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा, ये स्टॉक डिमांड में रहता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या रहता है, ये सेल चला जाता है, इसके कारण क्या रहता है, इसका स्टॉक इंडिया में आ नहीं पा रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया सेल था, और इसको हमने बहुत ज़्यादा सेल भी किया था, और अभी ये सेल अवेलेबल नहीं है। अभी इसके हम करते हैं ओपनिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेफ्टी वॉल्व ओपन करके इसका क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको ओपनिंग करने से पहले मैं आपको इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये माइनस पॉइंट है, इसके ऊपर माइनस दिख रहा होगा, ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं वो 0 वोल्ट है, और इसको मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है किसी भी प्रकार का, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है इस पर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सेफली ओपन कर सकते हैं। इसका सेफ्टी वॉल्व ओपन करने के लिए करेंगे इसका ये प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोब को हम इस प्रकार से इस पर लगाएंगे। तो इसके ऊपर का ये पहले ये एक चीज़ हमने ये निकाल दिया, ये देखिए इस प्रकार से इसमें ये चीज़ लगी रहती है। इसको ओपन करने के बाद इसको हम धीरे से पंचर करेंगे, इसका क्या है, पूरा प्रेशर यहाँ से निकल गया। और देखिए सेल भी क्या हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से बहुत ज़्यादा इसमें क्या था, प्रेशर था। और उस प्रेशर निकालने के बाद अभी हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये मैं एक्चुअली पहली बार मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा आगे जानकारी नहीं है। वोल्टेज अभी भी इसमें कुछ नहीं आया है। और इसको हम क्या करते हैं, हम धीरे से इसको हम एंगल ग्राइंडर की मदद से इसको यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ से, इस प्रकार से टोटल चारों तरफ से काट देंगे। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, हीट श्रिंक यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इसको रामपुरी बोलते हैं, कटर बोलते हैं, फोम कटर रहता है। तो इसको हमने इस प्रकार से ओपन कर लिया। इसको अलग नाम रखने का हम लोग का कारण ये है कि इसमें हमारे पास 2 कटर रहते हैं, एक वायर कटर भी रहता है, एक ये भी कटर है। तो अभी इसको जस्ट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ से इसका पूरा हीट श्रिंक निकाल देते हैं, ताकि ये हीट श्रिंक पूरा निकल जाए। देखिए ये पूरा इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये हीट श्रिंक इतनी ज़्यादा मजबूती से इसमें चिपकी हुई है कि निकल भी नहीं रही है, क्योंकि ये जब ये सेल ख़राब हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ये हीट श्रिंक का जो कलर है वो उसमें चिपक गया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इसमें पैकिंग थी। और जस्ट अभी हम क्या करने वाले, इसको एंगल ग्राइंडर की मदद से इसको पहले काटते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या रहता है। अभी हमने इसको काट दिया है, इसके अंदर का लिक्विड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन में, इसका लिक्विड क्या है, धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। देख रहे होंगे आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका लिक्विड बाहर आ रहा है। और हम भी इसको पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से अलग किया और आ जा बाहर भाई, क्या कर रहा है। तो देख रहे हैं कि कैसा रहता है अंदर का, अभी भी इसमें कुछ कनेक्शन लगता है बाकी है। ये देखिए ये हो गया, ये पूरा बाहर आ गया है। ये देखिए इसका ये प्लास्टिक की केसिंग थी, ये देखिए इसके अंदर ये प्लास्टिक केसिंग थी जो इस प्रकार से यहाँ पे रखी हुई थी। और इसका स्मेल आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर का जो लिक्विड है वो उसका स्मेल आ रहा है। और यहाँ पे इसके अंदर की आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर ये लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट था, ये पॉजिटिव पॉइंट थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। एलुमिनियम की ये केसिंग थी, यहाँ पे ये सेफ्टी वॉल्व था,
और ये पाउच सेल और प्रिस्मेटिक सेल, पाउच सॉरी प्रिस्मेटिक सेल, पाउच सेल और सिलेंड्रिक सेल, सॉरी मैं बता रहा था, प्रिस्मेटिक सेल और सिलेंड्रिक सेल में ये डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये एलुमिनियम वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये पॉजिटिव होगा। हाँ देखिए, ये एलुमिनियम वाला हिस्सा पॉजिटिव और कॉपर वाला नेगेटिव। एलुमिनियम में Al3+ होता है और कॉपर में Cu2+ रहता है, उसमें तो एक प्लस आयन की वजह से क्या होता है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। इसमें सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाने के बाद भी इसमें क्या रहता है, वोल्टेज आता रहता है। वहीं सिलेंड्रिकल सेल में हमने देखा था, जो हमारे पूरे वीडियो में आप जाके देखेंगे, उसमें आप ये देखेंगे सिलेंड्रिकल, जिससे सेफ्टी वाल्व ओपन होता था तो क्या होता, कनेक्शन ब्रेक हो जाता था। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये इसको कवर करने के लिए चारों तरफ से, देखिए इसको प्रकार से कवर करने के लिए इस पर क्या लगा हुआ था, ये कैप्टन टेप लगा हुआ था। ये देखिए कैप्टन टेप लगा हुआ था। और ये देखिए, ये जितने भी ये जो ये पतली पतली जो आप देख रहे हैं एलुमिनियम की, जो एलुमिनियम की जो इस पर ये थी एलुमिनियम फॉइल थी, ये कॉपर फॉइल थी जो इसको अटैच करता रहा, तो उसमें क्या था, ये देखिए दो पैक बने हुए हैं इस पर। अंदर आप देखेंगे एक पैक यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, एक पैक ऐसा, दो पैक को इन्होंने क्या किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया है। और पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, ये मान अंदर ये मान लीजिए 25 AH का सेल था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये 25 AH का सेल था, तो इसके अंदर जो ये लड़े होंगे तो उसमें क्या रहोगे, ये 12.5 AH के क्या होंगे, ये वाले सेल होंगे। तो ये देखिए, ये वाला सेल देखिए आपको पूरे अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, उसको अभी मैं और ओपन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ से ये एलुमिनियम केसिंग, एलुमिनियम को काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एलुमिनियम जब हम काटते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और इसमें अभी जो भी है हमारे हाथ में जो लिक्विड लगा हुआ है, वो आँख वगैरह में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और इसको जैसे मैं ओपन जब कर रहा था, तो मैंने अपने सेफ्टी के लिए गॉगल्स लगा के रखे हुए थे। तो आप ये काम जो कर रहे हैं वो सारा अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और उस पर देखेंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव पॉइंट पे जो था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे स्पॉट वेल्ड हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये स्पॉट वेल्डिंग का निशान है, यहाँ पे स्पॉट वेल्ड हो चुका था। तो इस प्रकार से इसमें पूरा कनेक्शन था। और इसको सेफ्टी मेंटेन करने के लिए देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे ये लगा रहा होगा, ताकि ये क्या हो, बाद में ये आपस में क्या कभी शॉर्ट सर्किट भी ना हो सके। तो ये पहला वीडियो था शायद जिसमें क्या है, किसी ने दिखाया होगा कि इसके अंदर कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और देखिए, इसको ये पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को अलग करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सा ये प्लास्टिक का देखिए शीट दिख रहा है, इसको क्या करता रहा, ये सेपरेट करता है। यहाँ पे देखिए बाहर भी क्या रहेगा, जिसके पास सेल होगा तो ये देखिए प्लास्टिक का शीट जो है वो सेपरेट करता है। और ये प्रिस्मेटिक सेल की खास बात ये रहती है कि फेलियर रेट इनका बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल होती है। और बाकी अंदर सारे सेल का कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है और सेम रहता है। अभी हम क्या करते हैं, इसको बीच से हम यहाँ से काटते हैं, देखिए यहाँ से काटेंगे और इसको यहाँ से साइड से काटेंगे, तो उसके बाद देखते हैं अंदर इसमें क्या रहता है। तो अभी हम इसको फिर से काटने वाले हैं। तो अभी इसमें हम इसको यहाँ से काटने वाले, देखिए यहाँ से इस प्रकार से काटेंगे, ताकि यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, तो उससे क्या हो, बाकी चीज़ डैमेज ना हो। वैसे ये सेल तो पहले ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो उसको हम क्या करते हैं, धीरे से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमने इसको यहाँ से काट दिया, उसको अभी जस्ट हम इसको ओपन करते हैं और अंदर का देख लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये सेल है और ये हमारा ये सेल निकल गया है बाहर, ये अब बाहर निकल गया। तो ये भी क्या बन गया, ये पाउच सेल बन गया। इसको कवरिंग करने के लिए देखिए, ये 12 AH की ये दो पैक थे, इसको कवर करने के लिए एक प्लास्टिक का शीट लगाया हुआ, ताकि ये इस बॉडी से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। और यहाँ पे देखिए एक प्रकार से फिर से टेप लगाया हुआ है यहाँ पे ऊपर और नीचे साइड दोनों पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का। इसको रिमूव करते ही हमारे पास दो पैक मिल जाएंगे। ये 12 AH के क्या थे, दो पैक थे, जिनको पैरेलल में कनेक्ट करके क्या बनाया गया था, 25 AH का सेल बनाया गया था। और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी क्या मिल जाएगी, इसके अंदर शीट मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं उसको सेफ्टी में हम ध्यान रख के कर रहे हैं, ताकि इसमें क्या कोई भी हमारा प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे जो फ्यूम आ रही है, आपको दिख रहा होगा कूलर चल रहा है, तो ये फ्यूम हमारे
बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए और इसको जस्ट ओपन करते जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा अंदर लगा हुआ है, जस्ट ओपन करते हैं और इसको साइड में कर देते, थोड़ा एड स्टॉप कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा पैक था, जनरली 6 CH के सेल में बस इतना बड़ा ही पैक रहता है, इतनी लंबाई का रहता है, 6 CH में इतनी बड़ी शीट रहती है और इतनी हाइट की शीट रहती है, जितना मैंने अपने हाथ में लगा के दिखाया हुआ इतनी हाइट की शीट रहती है। इसको जैसे ओपन कर देते हैं और उसके बाद हम पूरा इसको ओपन करके देखते हैं और इसकी आपको लेंथ मेज़र करके बताएंगे इसकी लेंथ कितनी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके कि ये कितना ज़्यादा कैपेसिटी का ये बैटरी सेल था, सॉरी बैटरी पैक नहीं सेल था। और इसको जस्ट पूरा बस ओपन होने ही वाला है ये, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या थी कैपेसिटी का सेल था, तो इसलिए इसमें क्या होगी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी और उसमें मटेरियल भी ऐसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। 6S की कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी करीब 30-35 के आसपास होनी चाहिए जिस हिसाब से इसमें मटेरियल लगा हुआ है। ये देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट क्या हो गया पूरा ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए ये बहुत लंबा है। ये देखिए अभी मैं इसको आपको ज़मीन पर रखता हूँ, अभी हमने इसको ज़मीन पे रख दिया, देखिए वहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक आ गया है। देखिए ऑलमोस्ट कितना लंबा बैटरी पैक है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा क्या है इसका लंबाई है, लंबाई ये 2 मीटर के आसपास क्या है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इसकी लेंथ है। और इस प्रकार के इस पर क्या थे दो पाउच सेल डाले हुए थे जिसकी कैपेसिटी क्या थी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये प्रिस्मेटिक सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप अपनी बैटरी पैक बनाने के लिए इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे कोई वीडियो मिस ना करें। आपको मैंने पूरा ऐसे प्रिस्मेटिक सेल को ओपनिंग दिखा दी, इसमें क्या क्या रहता है, इस प्रकार ये पाउच सेल है, इसको बचाने के लिए इस पर क्या लगा रहता है, ये प्लास्टिक की शीट लगती है, यहाँ पे प्लास्टिक शीट रहती है, इस प्लास्टिक शीट के अंदर इसको लगाया जाता है, उसके ऊपर से प्लास्टिक की शीट रहती है और उसके बाद ये रहता है, इसमें कनेक्शन के लिए बोल्ट दिए रहते हैं और इसमें पॉजिटिव पॉइंट में एल्युमिनियम रहता है, नेगेटिव पॉइंट में रहता है कॉपर, और ये काला काला हिस्सा आप ये देख रहे हैं जो पड़ा हुआ है ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, इसमें ही क्या रहता है एनर्जी स्टोरेज होती है, जो ब्लैक ब्लैक जो पाउडर यहाँ पे देख रहे हैं यही लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, सॉरी इसमें जिसके लिथियम फॉरे फॉस्फेट है जो है, तो इसी लिथियम जो है उसी के अंदर है, ये ब्लैक पार्ट ब्लैकिश पार्ट आपको जो दिख रहा है ना ये ही लिथियम है, इसमें ही क्या होती है एनर्जी इसकी स्टोरेज होती है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके तब तक के लिए गुड बाय।